चुकी मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अब पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकेंगे। पड़ोसी देश से आने वाले अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद विपक्षी दलों में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन जानबूझकर लागू किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद डेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये BJP का काम है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वो समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। चैनल चला रहे हैं कि आज रात तक CAA लागू हो जाएगा। ये कानून 2020 में पारित हुआ था। 4 साल में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से 2-3 दिन पहले इसका लागू होना बताता है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। हम ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि नियम कैसे बनाए जाते हैं। हमें सूचना नहीं मिली है, हमें नहीं पता कि नियम क्या कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सारे नियम देखने और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं कल हावड़ा मीटिंग से उन पर विस्तार से बात करूंगी। अगर कोई भेदभाव होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या भाषाई हो। 2 दिन में किसी को नागरिकता नहीं दे सकेंगे, ये सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। अगर CAA के बाद ही इन्हें नागरिक कहते हैं तो क्या ये नागरिक नहीं है? पहले क्यों रद्द किए जा रहे थे? मतुआओं के आधार कार्ड, इसका मतलब है कि वो पुराने कानूनों को बदलने के लिए कुछ नया कर रहे हैं। इन लोगों के वोटों के आधार पर PM को चुना गया, ये नागरिक कैसे नहीं हो सकते? अगर वो CAA और NRC के जरिए किसी की नागरिकता रद्द करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कड़ा विरोध जताएंगे। हम किसी भी कीमत पर NRC को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों को हिरासत शिविरों में रहने के लिए CAA का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। ये सिर्फ लोगों को धोखा है, क्योंकि किसी को भी 2 दिन में नागरिकता नहीं मिल सकती। मैं कानून देखने का इंतजार कर रही हूँ। भारत और बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। उनके पास नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार हैं। इस नए कानून से पुराने अधिकार नहीं छीनने चाहिए। बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी काफी संवेदनशील है। हम चुनाव से पहले कोई अशांति नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि BJP कोई जाल बिछाए। मुझे पता है कि उन्होंने रमजान से 1 दिन पहले ऐसा करने का फैसला क्यों किया। मैं सभी को अमावस्या की शुभकामनाएं देता हूं। अभी शिवरात्रि हुई है, हमारे पास होली और नया साल आने वाला है। बिना किसी डर के जश्न मनाएं, चिंता ना करें। जब वे आधार कार्ड रद्द कर रहे हैं तो हम रास्ते में खड़े हो जाएंगे। जब भी किसी का हक छीनने की कोशिश होगी, TMC उनके रास्ते में खड़ी होगी। मैं अभी इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि वो देर रात क्या करेंगे। ये आधी रात को आज़ादी नहीं है, ये उनके धोखे की योजना है। देश में कुछ भी अच्छा होने पर जिस तरह हम बधाई देते हैं, उसी तरह सभी गलतियों की आलोचना भी करते हैं। डरो नहीं, हम यहाँ CAA की इजाज़त नहीं देंगे। ये बंगाल है। जयराम रमेश और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के कदम की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा है, जब देश की नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा।
जनता अब भटकावे की राजनीति का भावपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताएं कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। वहीं सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित ठाकुर नगर के लोग ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे हैं।